किया था इस मटके को टूट के सेंटर से काट के, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ ऐसे करके। अगर आपने कभी बर्ड्स रखे हों तो आपको पता होगा कि इसको हम उर्दू में कुज्जा बोलते हैं, पता नहीं मटकी भी बोलते हैं, कुछ कुज्जा बोलते हैं हमारी जुबान में, लाहौर में तो इसको कुज्जा बोलते हैं, मिट्टी का कुज्जा। इसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पर सुराख होता है और ऊपर यहाँ पर प्लेट रखने की जगह होती है, इसके ऊपर प्लेट रख देते हैं मिट्टी की, और इसके अंदर बर्ड्स कौन सा अपने अंडे और वगैरह नेस्ट वगैरह बनाते हैं। सो ये मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ मैंने बर्ड्स रखे हुए थे पहले लेकिन अब खत्म कर दिए, तो ये मेरे को कुछ पड़े हुए थे फिर ना, तो मैंने इनको गार्डनिंग के अंदर यूज कर लिया। देखिए माशाल्लाह इसके अंदर पौधे खूबसूरत भी लग रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा पौधा है बट मेरे एक दोस्त के घर से लेकर आया था, मुझे अच्छा लगा था, इसकी मैं 2-3 कटिंग्स लेकर आया था, उसको मैंने लगाया, माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया और खूबसूरत भी बनता जा रहा है। ये बस ऐसे ही ग्रो करता है, इसके ऊपर कोई फ्लावरिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस ये ऐसी ब्रांचेज रहती है। सो ये मैंने इसके अंदर लगाए थे, एक ही 2 ब्रांचे लगाई थी, ये माशाल्लाह ग्रो कर गई हैं। सेंटर में बासिल लगी हुई है, लेमन बासिल है, और वो भी जो है ना माशाल्लाह सप्राउटिंग कर रही है। इधर एक जेड प्लांट लगाया था, ये भी माशाल्लाह ग्रो कर गया। तो इसमें भी पानी मैंने मिट्टी को जो है ना इसके लेवल का रखा हुआ है, और गर्मियों में मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ ऐसे करके, और पानी देता हूँ इधर, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी इसमें आ जाए और मिट्टी जो है सारी की सारी अब्सॉर्ब कर ले पानी को। और जब सर्दियां आती हैं, सर्दियों में इसको मैं सीधा रख देता हूँ ऐसे करके। इस तरीके से क्या होता है कि जब पानी देता हूँ जितना मिट्टी ने लेना होता ले लेती है, ओवर वाटरिंग जो है यहाँ से उसके लेवल के मुताबिक निकल जाती है। तो ये भी जो है ना तरीका कार बड़ा बेहतरीन है। इस तरीके से देखो एक लेमन ग्रास का पौधा मैंने ये मटकी में लगाया हुआ, छोटी मटकी में। तो कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करते गार्डनिंग के अंदर, हम सारी चीज़ों में सारी यूटिलाइज करते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स हैं, इनको हमने एयर लेडिंग के लिए यूज़ कर लिया। और इसी तरीके से ये मटका हमारा टूट गया था, इस मटके को टूट के सेंटर से काट के, तो इसके अंदर हमने ड्रैगन फ्रूट लगा दिया, ड्रैगन प्लांट लगाया हुआ। सो हम कोई भी चीज़ जो सी है ज़ाया नहीं करते, कोशिश होती है कि गार्डनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर की चीज़ें जो सा ना यूज़ हो जाएं। ये प्लास्टिक का टब पुराना सा था, टूटा हुआ था साइड से, तो इसके अंदर मिट्टी डाल के, तो इसके अंदर मैंने लेमन का पौधा लगाया हुआ। अब वो प्लास्टिक का टब भी हमारा ख़राब हुआ हुआ, साइड से टूट गया था, नीचे से भी टूट गया था, तो इसके अंदर जो सा ना मैंने खाद बनाई हुई है, और खाद बनाकर ऊपर कुछ पौधे रख दिए थे ताकि पौधे की जगह भी बच जाए हमारी, और खाद भी तैयार होती रही। ये खाद जो है ना लकड़ियाँ, गोबर, मुर्गियों की वेस्टेज और ऑर्गेनिक मैटर घर में जो सब्जियाँ बाकियात होती हैं सारी मैं इसमें डालता रहता हूँ, और ये डिकम्पोज होती रहती है। तो ये तो खैर डिकम्पोज हो चुकी है, ये इन फ्यूचर इस टब को जो है मैं नीचे से कोई सिलिकॉन की जुगाड़ लगा कर, तो इसके अंदर जो है मिट्टी डाल के इसमें पौधे लगाऊंगा। बाकी खाद बनाने के लिए मैंने ये ड्रम रखा हुआ था, इसके अंदर मैंने देखो सब्जियों की वेस्टेज डाली है ऊपर से, और जो नीचे होती है वो माशाल्लाह ये देखिए नीचे से खाद तैयार हो रही है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये काली होती जाती है, डिकम्पोज होती रहती है। इसके अंदर मैंने मुर्गियों की वेस्टेज, ऑर्गेनिक पत्ते, ये देखिए एलोवेरा के पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं, सब्जियों सब्जी वाले से मिल जाते हैं, पौधों की जो कांट छांट होती है वो भी इसमें डाल देता हूँ। तो ये नीचे वाली डिकम्पोज होती रहती है, ऊपर वाली नहीं आती रहती है, तो ये एक साइकिल हमारा चलता रहता है।